तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक बॉय ऋषि, मैं ऋषि। तो दोस्तों, कई लोगों के सवाल ये आ रहे थे मेरे पास में कि YouTube पे लाइव किस तरह करते हैं और क्या क्या उसमें सेटिंग्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली लाइव जाके दिखाऊंगा कि YouTube लाइव किस तरह करते हैं। उसके अलावा जो सेटिंग्स वगैरह हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या सेटिंग्स कंपनी दे रखी है उसमें। तो अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक, क्योंकि यहाँ मिलेगा नॉलेज बिन गए कॉलेज। तो YouTube पर लाइव करने के लिए सबसे पहले आपको अपना YouTube का ऐप ओपन करना है। ऐप ओपन करने के बाद आपको नीचे प्लस वाला आइकॉन पर टच करना है। तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखा देंगे, दो या दो से ज़्यादा भी ऑप्शन दिखा दे सकते हैं। मेरे दूसरे फ़ोन में तीन ऑप्शन दिखा देते हैं, इसमें दो दिखा दे रहे हैं। तो आपको गो लाइव वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पर टाइटल डालना है, आपके लाइव का टाइटल क्या रहेगा। तो मेरे लाइव का टाइटल रहेगा लाइव Q&A। तो इसी तरह से आपके लाइव का जो भी टाइटल रहेगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है, उसी तरह से जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ। ये करने के बाद जब आगे बढ़ेंगे आप, तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिखा देगा पब्लिक का और अनलिस्टेड का। तो आपको ये लाइव पब्लिक ही रखना है। अनलिस्टेड करेंगे तो ये किसी को दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आप ही लाइव करेंगे, आप ही को दिखाई देगा। तो चूँकि पब्लिक करेंगे तो आपको ये सभी जो पब्लिक हैं उनको ये लाइव दिखाई देगा। तो इसको आप पब्लिक कर लेंगे, उसके नीचे लोकेशन का यहाँ ऑप्शन देगा। तो लोकेशन में आप अपना लोकेशन यहाँ डाल सकते हैं, जैसे मैं इंडिया का हूँ तो यहाँ पर मैं इंडिया डाल दे रहा हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से आपका जो भी लोकेशन आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद से नीचे देखिए ऑप्शन देगा कि क्या आपके ऑडियंस बच्चे हैं, कि आपका जो लाइव है वो बच्चों के लिए है। तो अगर वो बच्चों के लिए है तो यहाँ पे आप यस करेंगे, और अगर बच्चों के लिए नहीं है तो यहाँ पे आप नो इट्स मेट फॉर किड्स करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद से बाकी कोई आपको सेटिंग नहीं छेड़छाड़ करनी है। फिर नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा नेक्स्ट का, नेक्स्ट पे आप टाइप करेंगे। उसके बाद से देखिए ये सारी चीज़ आपके इंटरनेट पर डिपेंड करती है। यहाँ आपको थंबनेल का एक ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे आप चाहें तो आपका थंबनेल ऑटो ये कैप्चर कर लेगा। अगर आप चाहें तो कस्टम थंबनेल लगाना तो वो भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पेंसिल का आइकन टच करना है। तो जब पेंसिल का आइकन टच करेंगे तो आपकी यहाँ पे गैलरी ओपन हो जाएगी। तो गैलरी में आपको जो भी आपको थंबनेल लगाना है वो आप लगा लेंगे। इसके साइज को भी आप बड़ा या कम कर सकते हैं, जिससे कि आपका ये थंबनेल जो है वो लोगों को दिखाई देगा पूरा। तो यहाँ पे आप साइज चाहें तो करके ऊपर सेव का ऑप्शन टच करेंगे तो आप यहाँ पे आपका थंबनेल जो है वो फिक्स हो जाएगा। यही थंबनेल लोगों को दिखाई देगा, तो इसलिए आप थंबनेल पहले से क्रिएट करके रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर पड़ेगा। उसके बाद से नीचे देखिए आपको गो लाइव का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको गोइंग लाइव लिखेगा। तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ें रहेंगी। ये सारी चीज़ आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आपकी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद से ऊपर देखेंगे तो आपको लाइव का ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें आपको सेकंड दिखाई देगा कितना सेकंड हुआ आपको लाइव करते हुए। मुझे 16 सेकंड हुआ, 17 सेकंड हुआ है, तो मेरा टाइम वहां पर वो शो कर रहा है। तो आपको जितना टाइम रहेगा आपका वहां शो करेगा। प्लस बगल में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आपको पीपल का ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें आपको कितने लोग जुड़े हुए हैं लाइव में। मेरे लाइव में 0 लोग जुड़े हुए हैं, तो 0 यहाँ शो कर रहा है। आपके लाइव में जितने लोग जुड़े रहेंगे वो वहां पर शो करेगा, 1000, 2000, 3000, 100, 250, 1, 2 जो भी है वहां शो करेगा। कितने लाइक आए हैं आपके इस लाइव को वो वहां पे आपको शो करेगा, जहां पे आपको थंब का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उसके बाद से नीचे अगर आप चाहें तो यहां पे आप कमेंट के लिए भी आप यहां पे कमेंट आप तो यहां पे शो करेंगे आपके जितने हैं लाइव चैट में। मेरे कमेंट नहीं आ रहा, तो इसलिए कमेंट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। आपके जितने आएंगे वो यहाँ पे शो करेंगे आपके। साथ ही साथ बगल में देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको आपको फिल्टर का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आप जो भी फिल्टर लगाना चाहें अपने लाइव में वो आप फिल्टर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके लाइव में फिल्टर अब लग जाएगा। उसके बाद से आप इसको बंद भी कर सकते हैं यहाँ से। फिर बगल में आपको 3 डॉट दिखा देगा, इसके जब आप टैप करेंगे तो यहाँ पे सेव हाइलाइट्स का ऑप्शन देगा। इसको आप सेव भी कर सकते हैं, आपके गैलरी में सेव होगा ये, आई थिंक, मैं कंफर्म नहीं हूँ बट आई थिंक। इसके अलावा आपको नीचे शेयर का ऑप्शन दिखा देगा, इसको आप अपने लाइव स्ट्रीम चाहें तो व्हाट्सएप या किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको म्यूट माइक्रोफोन का ऑप्शन दिखा दे रहा है। तो अगर आप चाहें तो लाइव के दौरान आपकी आप चाहते हैं कि आपकी आवाज या आपके आसपास की आवाज ना जाए आपके माइक्रोफोन के द्वारा, तो आप चाहें तो वहां पे लॉक कर सकते हैं, तो ये आपका जो माइक है वो काम करना बंद कर देगा। तो इस तरह से चीजें हैं। उसके अलावा एक ऑप्शन आपको और मैं दिखा देता हूँ, जो कि आपके काफी काम के ऑप्शन है। आप चाहें तो लाइव के दौरान ही आप चाहें तो कैमरा आप स्विच कर सकते हैं, बैक कैमरा टू फ्रंट कैमरा, फ्रंट कैमरा टू बैक कैमरा। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे बैक कैमरे पे मैंने स्विच किया हुआ है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। ये पूरा एक प्रोसेस होता है लाइव करने का। लाइव जब भी आप करें तो ध्यान दीजिए, पीछे आगे कहीं गाना नहीं बजना चाहिए, और कोई ऐसी अनवांटेड चीज ना आ जाए लाइव में जो कि अनवांटेड हो। अनवांटेड मीन्स क्या होता है वो आपको पता ही होगा।
क्योंकि लाइव के दौरान आप जो भी चीजें होती हैं लाइव को आप एडिट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपको ये चीजें ध्यान देनी पड़ेगी और ध्यान देनी चाहिए आपको। तो ये रहा पूरा फुल डेमो कैसे लाइव किया जाता है यूट्यूब पे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको पूरा ज्ञान।